नशा मुक्त हरियाणा मुहिम के तहत सोमवार को ग्राम पंचायत शाह सतनामपुरा विच जागरूकता प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम विच बतौर मुख मेहमान पहुंचे एडीसी आनंद कुमार शर्मा ने नशा मुक्त हरियाणा मुहिम विच सहयोग करन दा आह्वान करदे होया कहा कि नशे दे खिलाफ एक व्यापक पद्धर ते मुहिम चलाई जा रही है, जिस विच सरसा जिला दे 10 पिंडां नूं पहल दे आधार ते चुनिया गया है। उन्हें कहा कि शाह सतनामपुरा ग्राम पंचायत भी इस मुहिम विच शामिल है, इसलिए इत्थों दे लोकां नूं पिंड ही नहीं आस पास दे एरिए विच भी अगर कोई नशा करदा है उसनूं नशा छड्डन दे लई प्रेरित करना है। नशे दे नाल नौजवान वर्ग सब तो ज्यादा ग्रस्त है, नौजवान देश दा भविख है, इसलिए इस तों बचना बेहद जरूरी है। उत्थे प्रशासनिक अधिकारी सुखविंदर सिंह ने अपने संबोधन विच कहा कि नशा मुक्ति दे इस प्रयास विच डेरा सच्चा सौदा दा प्रयास बेमिसाल है। पूजनीय गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी दा यही संदेश है कि पृथ्वी बचाओ, जीव जंतुओं नू बचाओ अते अजिहे विच लोकां नू नशे तो भी बचाउणा है। डेरा सच्चा सौदा दे मानवता भलाई कार्यां नूं पूरी दुनिया जानदी है, इत्थों दे सेवादारां विच इंसानियत दा भाव बड़ा बेमिसाल है। दस दईए कि नशा मुक्ति इस मुहिम विच पिंड वासियां नूं अगे आउणा होएगा, जिला प्रशासन हमेशा पिंड वासियां दे नाल खड़ा रहेगा। इस दौरान नारकोटिक्स विभाग दे इंचार्ज कृष्णपाल, DSP साधु राम ने सचखंड दे नाल गल्लबात करदिआं होइआं की कुछ कहा, तुसीं वी जरूर सुनो। आज ADC साहब का दो गांव में प्रोग्राम था, झोपड़ा और शाह सतनामपुरा गांव चुने गए हैं, जिसको पूर्ण नशा मुक्त बनाने के लिए पंचायत का सहयोग लिया जा रहा है और लोगों का सहयोग लिया जा रहा है। पहले हम झोपड़ा गांव में गए थे, वहां लोगों ने आश्वासन दिया है ताकि हम 100% झोपड़ा गांव को नशा मुक्त बनाएंगे। इसी प्रकार उसी कड़ी में आज हम शाह सतनामपुरा गांव में आए हैं, यहां भी लोगों से इसके बारे में जानेंगे, लोगों को बुराइयों के बारे में बताएंगे और लोगों से ये आश्वासन लेंगे हम भी वो अपना अपने गांव को पूर्ण नशा मुक्त बनाएंगे। सतनामपुरा क्या ऐसे गांव में शामिल है जहां बिल्कुल भी नशा नहीं होता आपका, तो वहां चेकिंग वगैरह चलती रहती है पूरे? नहीं, अभी तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं है इस गांव की, फिर भी अगर कोई छोटी मोटी है तो वो भी आज हम इसी आ रहे हैं, कमेटी बनाई हुई है, कमेटी वाले देख लेंगे, कोई छोड़ने वाले हैं उनके फार्म भरवा देंगे, अगर कोई और को बेचने वाले हैं उनके बारे में कोई इतला मिलेगी तो उनकी कार्रवाई करेंगे। अगर सतनामपुरा 100% नशा मुक्त हुआ तो ये रोल मॉडल होगा पूरे हरियाणा का? वो प्रशासन का काम है आगे देखना, आगे किसको रोल मॉडल, कितने कोई नंबरिंग या कोई सिस्टम ऐसा है सरकार का प्रशासन का, तो उसी आधार पर अगली कार्रवाई होगी। और कितने गांव चयनित किए गए हैं सर नशा मुक्त? फिलहाल प्रथम उसमें 10 गांव चयनित किए गए हैं, इनमें होने के बाद आगे धीरे धीरे सारा पूरा सिरसा ही नशा मुक्त बनाना है। कितने समय तक हरियाणा को नशा मुक्त करने का टारगेट है? नहीं, 2023 का है साल ये नशा मुक्त सिरसा बनाने का प्रोग्राम है। ये DC साहब ने अभियान चलाया हुआ है नशा मुक्ति के लिए, तो उसमें हम गांव-गांव में जाके अभियान में जागरूकता फैला रहे हैं, उसी से संबंधित प्रोग्राम है। हमने 2 गाँव में आज है, बाकी और गाँव में भी जाएंगे तो वो प्रोग्राम चलता रहे। कितने गांव चयनित किए गए हैं? ऐसे 10 गांव को तो हमने पहले चयनित किया, फिर बाकी सारे गांव में भी साथ साथ चल रहा है, तो गांव बाकी अधिकारी बाकी गांव में भी जाएंगे। और जो सतनामपुरा गांव को जहां सम्मान किया जा रहा है वो अभी इस पे अभी सब जगह से रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद हम करेंगे। इस मुहिम में जो नशे के मुक्त जो हमारे हरियाणा सरकार और DC साहब ने चलाई है, उस सब में आपने अपना समय निकाला और हमारा साथ दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नशा एक ऐसी चीज़ है जो मतलब सभी के लिए, चाहे वो हमारी यूथ हो, महिलाएं हो, सबको अफेक्ट करती है किसी ना किसी तरीके से। तो आप सबसे यही हमारा निवेदन है कि आप बस ये इंश्योर करें कि आपके आसपास ना आप खुद नशा करें ना आसपास आपके कोई और नशा करें, क्योंकि नशे से समाज में, परिवार में, खुद में, सबको ही इफेक्ट होता है और इससे हमारा यूथ सबसे ज़्यादा ग्रसित हो रहा है। तो जो हमारा युवा है वो हमारे देश का भविष्य है, अगर वही होगा तो हमारे देश का भविष्य भी खराब होगा। तो आप सबसे निवेदन है इस मुहिम में हमारा बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमारा साथ दें। साथ ही साथ मैं यहाँ की सरपंच का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने दिया, और सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े। गुरुजी ने जो बीड़ा चुके है नशा मुक्त देश और नशा मुक्त वर्ल्ड दे विच, यह सुनेहा दिता है गुरुजी ने भी कोई भी नशा हमारे देश में जां बाहर कितें भी नहीं होना चाहिए। वो तहत ही अज
एडीसी साहब जड़े सरसा ने वो इत्थे आ रहे ने। साडा जिहड़ा ये पिंड है अपना शाह सतनाम जीपुरा इहनू सन्मानित करन वास्ते ये जिहड़ा साडा पिंड है शाह सतनाम जीपुरा ये बिल्कुल नशा मुक्त हो चुके है। इस कोई भी नशा नहीं करता। इत्थों जिहड़ा है संदेश अगे दी अगे पूरे हरियाणे च और पूरे भारत दे विच वो जाऊगा कि हर एक जगह नशा बिल्कुल खत्म करना। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सबसक्राइब करो यूट्यूब ते सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।